टोंक जिले के देवली उपखंड कार्यालय के दो कंप्यूटरों को अज्ञात साइबर अपराधियों ने हैक कर दिया है और बदले में $980 देने की मांग की जा रही है। मंगलवार को कंप्यूटर ओपन नहीं होने पर इसका पता लगा। SDM अशोक त्यागी ने जिला कलेक्टर, साइबर सेल जयपुर और पुलिस उप अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट रूम में रखे दो कंप्यूटर को हैक किया गया है। इसमें यहाँ का कामकाज दिन भर प्रभावित रहा। इसके बाद स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आधिकारिक जानकारी यह है कि हैकर ने डिमांड में लिखा है कि यदि 72 घंटे में रकम दी जाती है तो कुल राशि का 50% डॉलर ही देने होंगे। हैकर्स ने अपनी डिमांड के मजेदार ये बात लिखी कि राशि देने से पहले वो एक फाइल फिर से मुफ्त में रिस्टोर कर सकते हैं, विश्वास होने के बाद ही राशि हमें दी जाए। इधर तकनीकी जानकारों का कहना है कि कंप्यूटर को फिर से फॉर्मेट करने पर ही वापस हैक होने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार हैकिंग से बचाने के लिए खरीदा हुआ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उपयोगी साबित होता है।